बड़ी खबर। तो गोरखपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी पहुंचे नगर निगम कार्यालय, रेडी पटरी कारोबारियों के टीकाकरण का लिया जायजा, 20 कूड़ा गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे में आज नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रेडी पटरी कारोबारियों के टीकाकरण का जायजा लिया है। वहीं 20 कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां दूसरे दिन दौरे के आज उन्होंने नगर निगम कार्यालय में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने निरीक्षण किया, साथ ही 20 कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गोविंद, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा जो है वो दूसरे दिन था, जहाँ वो सबसे पहले सुबह उन्होंने जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा, जहाँ दूर दराज से फरियादी आए थे। उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज गए, फिर उनका प्रोग्राम नगर निगम में था, जहाँ उन्होंने आज रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के टीकाकरण का जो केंद्र है उसका निरीक्षण किया और उन लोगों को प्रोत्साहन राशि भी दी। इसके साथ ही उन्होंने 20 कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। जी, तो जिस प्रकार से इस वक्त बता रहे हैं कि गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ऐसे में 3 दिवसीय दौरे में क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? देखिए, आज मुख्यमंत्री सीधे एनएक्सी भवन गए हैं, जहां वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। क्या कुछ बैठक में है ये तो बाद में निकल कर सामने आएगा, फिलहाल ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो गोरखपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहाँ 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां दौरे के दूसरे दिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं नगर निगम कार्यालय।